हेलो दोस्तों, मेरा नेम है कार्तिक और आप देख रहे हैं केटक मॉनिटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने इम्पोर्टेंट फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स को जीमेल आईडी पर हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो भी आप किसी भी मोबाइल में जीमेल आईडी को लॉगिन करके अपने फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स को वापस सेव टू ड्राइव यानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए केटक मॉनिटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा ईमेल आईडी ऊपर में फॉर्म में है और यहाँ पर टू में किसको आप भेजेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना ही ईमेल आईडी टाइप कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट में आप जो भी फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं अपन यहाँ पर फ़ोटो टाइप कर लेता हूँ, फ़ोटो या डॉक्यूमेंट्स जो भी आप रखेंगे वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंपोज ईमेल में वही टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अटैचमेंट का आइकन देखने को मिलेगा, तो उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर कोने में थ्री लाइन्स दिखेगा, उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने गैलरी या फ़ोटो जो भी होगा उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस फाइल में फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंड आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सेंड हो जाएगा और कुछ देर के बाद अपने ही जीमेल आईडी पर मैसेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइनली मेरा ईमेल जो फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स ईमेल आईडी पर सेंड हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ही ईमेल आईडी पर फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स को सेंड करके अपने जीमेल आईडी में सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार लगा दीजिए और चलिए यहाँ पर थ्री लाइन्स में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्टार देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमेशा के लिए फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको ओपन करके। दोस्तों देखिए मैं एक अपना फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स सेंड किए थे, तो दोस्तों यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जीमेल आईडी पर फ़ोटो एंड डॉक्यूमेंट्स को सेव हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह के टेक से जुड़ी वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।